एलटीएस में, और अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाया करें। आज हम एक मेल हमें आया हुआ है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेल आते हैं तो मैं समय समय पर उन लोगों को जवाब देता हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं तो उनको पहले मैं प्रायोरिटी देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आज का जो मेल है इस पर हम बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद ये मैं पब्लिकली इसलिए रख रहा हूँ ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो देखते हैं, तो उन लोगों के भी सुझाव अगर कमेंट बॉक्स में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ताकि और बहुत लोगों को भी हेल्प हो जाती है। यहाँ पे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ। हेलो सर, आई एम कार्तिक शुक्ला फ्रॉम नोएडा यूपी। आई वॉच योर वीडियोज़ रेगुलरली एंड फ्यू वीडियोज़ आर वेरी मोटिवेटेड एंड फ्यू एवरेज। थैंक यू, बट सर कैन यू गाइड मी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट? एक्चुअली आई वॉन्ट टू बाई अ होम ऑन लोन वेयर आई कैन पे EMI ऑफ 20K, यानी 20,000, बट इंस्टेड कैन आई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स सो दैट आई कैन बिकम रिच सूनर? कैन यू सजेस्ट मी सम स्टॉक्स? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, थैंक यू। भाई आपने ऐसा यक्ष प्रश्न पूछ लिया मुझसे कि मैं आपको कोई स्टॉक्स बताऊं जिसमें आप बहुत जल्द अमीर बन जाएं, और इंस्टेड मतलब कि आप घर लेने की बजाय स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूंगा दोस्त, मैं आपको सच्ची सलाह दूंगा कि अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं, जो कुछ भी लेना चाहते हैं, अब ये भी आपने मेंशन नहीं किया कि आप जॉब कर रहे हैं कि बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन आप 20,000 की EMI आप भरने की सोच रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप अपना घर ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप रेंट पर रह रहे होंगे। अगर इफ़ आई गेस अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो पहले वो ख़त्म कीजिए। तो रेंट की बजाय अगर आप खुद का घर ले लेंगे तो आपकी EMI भी उसी में इंक्लूड हो जाएगी, तो मतलब EMI जा रही वो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप घर लेंगे। दूसरी चीज़ रही बात शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी और बताता हूँ। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कीजिए और मैं आपको म्यूचुअल फंड्स में भी बताता हूँ। देखिए म्यूचुअल फ़ंड क्या है, म्यूचुअल फ़ंड ऐसा है कि अगर हमें बहुत शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता कि किन कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए या किन में नहीं करना चाहिए, तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। उसमें भी एक लंबे समय में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है, कंपाउंडिंग रिटर्न। तो उसमें होता क्या है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका यही काम होता है कि डाइवर्सिफाई कंपनीज में जिस प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों में, लार्ज कैप की, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, माइक्रो कैप की, जहाँ ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कुछ माइक्रो कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, लार्ज कैप में भी। तो जो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हैं वो फंड मैनेजर उनमें आप इन्वेस्ट करके वो जो आपको रिटर्न आता है वही आता है। तो इसमें क्या होता है, रिटर्न लमसम कितना हो सकता है, समझिए कि अगर हम साल का एक एवरेज पकड़ते हैं लंबे समय के पीरियड में, तो किसी साल अच्छा परफॉर्म करती है, किसी साल मार्केट अच्छा रहा तो अच्छा रिटर्न आता है, किसी साल हो सकता है नेगेटिव में आ जाए, किसी साल कम आए। तो ओवरऑल जो हम एवरेज मानते हैं, तो मान लीजिए हम 20-25 नहीं पकड़ते, हम इतना रख लेते हैं कि 12 से 15 के बीच में, तो हम एक मोटा मोटा 15% मान लेते हैं कंपाउंडिंग। तो अगर 15% साल का हम रिटर्न देख रहे हैं, तो अगर म्यूचुअल फंड में, अभी मैं कैलकुलेटर भी खोलता हूँ, तो होता क्या है दोस्त, तो अगर आपको शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है तो वो भी मैं बताऊंगा, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें और प्रॉपर्टी पहले लें, सबसे पहला काम। तो उसके तीन तरीके हैं आपको मैं रईस बनने के बता रहा हूँ, जैसा कि आपने लिखा है कि मैं घर लेने की बजाय मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ और मुझे आप सजेस्ट करें, तो भाई मैं तो बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि अभी आप पूरा पैसा जो है आप EMI के द्वारा SIP भी करें तो स्टॉक्स में, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। या जो भी आप लोन भी ले रहे होंगे तो कुछ डाउन पेमेंट दे रहे होंगे, राइट? तो पहले तो आप रेंट से भागिए और खुद का घर लीजिए। दूसरी चीज़ देखिए, मैं यहाँ पे कोई बहुत बड़ा निवेशक, निवेश करने की सलाह देने वाला नहीं हूँ कि मैं वो, लेकिन एक ठीक है, मैं आपसे कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैं स्टॉक की जो कंपनियाँ होती हैं उन्हीं के बारे में बात करता हूँ, बताता हूँ हमेशा, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ले लिया। तो फटाफट पहले मैं रिटर्न कैलकुलेटर की तरफ बढ़ता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप 20,000, मान लीजिए आपकी EMI जाती है 20 साल के लिए, 20 साल ही होगा या जो भी है, तो उस हिसाब से अगर आप साइड में थोड़ा सा और मेहनत करें और 3,000 और इंक्लूड कर लें, 23,000 अगर आप मंथली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3,000 आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं 3,000 पर मंथ मंथली, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान रहे हैं 15% के आसपास, ना हम 25 मान रहे हैं ना 20 मान रहे हैं, सब कुछ जो एक्सपेंसेस रेट वगैरह कटने के बाद जो है 15% भी अगर मानते हैं, और ड्यूरेशन अगर हम 20 साल का पकड़ के चलते हैं, तो हमारा जो अमाउंट होता है
समझिए कि ये आ जाता है मेच्योरिटी, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर SIP इन्वेस्टमेंट इज 44 लाख और योर टोटल इन्वेस्टमेंट इज 7.2 लैक्स। तो मतलब 3,000 सिर्फ ज़्यादा बढ़ने से आपके जो है, आपको जब 20 साल के बाद जब आपका लोन ख़त्म होगा, तो एक तो आपको 44 लाख रुपए आपको ये म्यूचुअल फंड से मिलेंगे। दूसरी बात, आपकी आपने अगर अभी प्रॉपर्टी ले ली है तो देखिए, नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी सो गई है, उठ ही नहीं पा रही, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 सालों में प्रॉपर्टी के भाव कई गुना नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, हो सकता है कि फिर बाउंस बैक कर जाए, तो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका भी भाव कई गुना होगा। प्लस आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करते रहें, तो एक काम करिए, 1,000 और आप बढ़ा लीजिए, आप थोड़ी सी मेहनत ही तो कर सकते हैं, तो आप 24,000 कर लीजिए। तो मतलब 20,000 हो गई आपकी जो लोन की EMI, 3,000 रुपये हो गए आपके म्यूचुअल फंड्स के, और 1,000 रुपये पर मंथ आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब आप लोग कह रहे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स की इक्विटी में जो ये बताते हैं शेयर मार्केट में, तो ये 1,000 सिर्फ इतना सलाह दे रहे हैं। भाई जिस प्रकार से इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, तो उसका मैं सलूशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इनको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है, मुझसे स्टॉक्स पूछ रहे हैं। और शेयर मार्केट में पता भी हो तो कोई गारंटी नहीं कि कौन सी कंपनी आगे चल के कैसा परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन ये श्योरिटी कि इनका खुद का घर हो जाएगा, इनकी प्रॉपर्टी की भी दाम थोड़े से बढ़ जाएंगे, डबल हो जाएंगे, कम से कम इतना तो उम्मीद करते हैं 20 साल में, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए इनकी किस्मत, या फिर म्यूचुअल फंड से भी जो उनको इतना लमसम मिला या कम थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, लेकिन एक ठीक है, एक ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगी। हालांकि 20 साल बाद थोड़ी महंगाई ज़्यादा ही होगी। तो अब तीसरी चीज़ है कि जो स्टॉक मार्केट में अगर 1,000 रुपये मंथ का डाल रहे हैं, तो एक दो स्टॉक्स लें लार्ज कैप कंपनियों के, निफ्टी 50 के, जो इनको अच्छा लगता हो, है ना, FMCG हो गया, बैंक्स हो गई, तो हो सकता है कि 20 सालों में इतने स्टॉक्स इकट्ठे हो जाएं, साथ साथ इनको डिविडेंड भी आता रहेगा, और हो सकता है स्टॉक्स बोनस भी कोई कंपनी दे दे तो डबल ट्रिपल भी होते रहें। तो अगर देखिए, हर इंसान का एक समय ऐसा आता है 20 साल में एक दो टाइम कि वो किसी चीज़ पे हाथ रखता है तो सोना बन जाता है। तो आप तीनों जगह आप अपने हाथ रखिए, आप पहले प्रॉपर्टी लीजिए, घर लीजिए, सबसे पहले घर रहने के लिए छत लीजिए, बहुत सारी डिटेल्स मैं आपके बारे में नहीं जानता इसलिए मैं आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए साथ साथ साइमल्टेनियसली। एंड तीसरी चीज़, आपको स्टॉक मार्केट में किस्मत आजमानी है तो आप 1,000 रुपये महीने डालिए, 24,000 थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, 24,000 महीने डालिए आप। अगर आप 20,000 कर सकते हो, 4,000 और कर सकते हो, थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, चाहे जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, अगर जॉब करते हैं थोड़े खर्चे कम कीजिए, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ कम कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब फ्रेंड, मैं जो आपके इस प्रश्न का उत्तर देने में जो सक्षम हुआ, मैं कहाँ तक सक्षम हुआ या कहाँ तक आपको समझाने में सफल हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे समझ थी, जितनी मेरी समझ है अपने, उस प्रकार से मैं आपको बताने में पूरी कसर नहीं छोड़ी। और साथ ही साथ इसलिए मैं इस पर वीडियो आज बनाया कि हो सकता है ऐसे बहुत सारे हमारे कुछ फ्रेशर्स हों या सब्सक्राइबर्स हों या जो फ्रेंड्स हैं, मेंबर्स हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में थोड़ी सी आ जाए कि जहाँ निश्चित है उसको छोड़ के हम अनिश्चित की तरफ ना भागें, बल्कि पहले निश्चित को अंदर कर लें, जो अनिश्चित है उसमें किस्मत आ जाए, ट्राई करते रहें। हो सकता है अगर हमें शेयर मार्केट से ही बहुत सारा धन आना होगा, तो वो जो 1,000 आप पर मंथ डाल रहे हैं, कोई स्टॉक ऐसा आपका बाउंस बैक कर जाएगा कि वही आपको माला माल कर देगा। प्लस साथ साथ आपके पास खुद का घर होगा, साथ साथ आपके म्यूचुअल फंड से भी मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी। तो ऐसे स्ट्रेटजी से आप थोड़ा सा निवेश कीजिए। तो पहली प्रायोरिटी आप घर लीजिए, और सेकेंडरी म्यूचुअल फंड्स, थर्ड आप जो है शेयर में भी आप अपने डीमेट अकाउंट में हर महीने कुछ खरीदते रहिए 1,000-1,000 रुपए के। यही मैं आपको सलाह दे सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आपकी सूझबूझ। आप भी 10 लोगों से, आपके भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे, आपके परिवार में कोई ऐसा होगा, या आप भी, आपको भी काफ़ी अच्छा मालूम होगा। तो मेरी जो सोच थी मैंने आपसे कह दी दोस्तों। तो ये अब म्यूचुअल फंड्स कौन से लेने हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में देखिए आजकल तो सब एप्लीकेशन से भी हो जाता है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है, आजकल तो पेटीएम से भी लोग म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, जीरोधा कॉइन से भी खरीद सकते हैं। अगर अकाउंट में नहीं है आपका जीरोधा में, तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उसके थ्रू आप जा से अकाउंट भी ऑनलाइन खोल सकते हैं। तो यही है, तो म्यूचुअल फंड्स आप कोई भी लें, पहले पास्ट हिस्ट्री, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, किस प्रकार से परफॉर्मेंस रही है। बहुत सारे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उन पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं आपको मशवरा दे रहा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन, कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर हमसे जो है कॉमेंट बॉक्स में आपके
उत्तर का हमें इंतज़ार रहेगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।